गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट में हम नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ रहे थे, तो आपको ध्यान होगा हमने हब, स्विच और राउटर पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब जो हमारे जो तीन बज गए थे, दैट इज़ रिपीटर एंड ब्रिज। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग स्पेसिफिक यूज़ हैं। तो आज का जो हमारा है टॉपिक वो है रिपीटर। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत सारे नेटवर्क आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। और एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या लगा रखा है, रिपीटर लगा रखा है। तो रिपीटर का काम क्या होता है, देखो एक चीज़ समझो कि जब हम लोग को बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं, बहुत लॉन्ग चलते हैं, बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं, तो हम लोग थक जाते हैं, होता है ना ऐसा। हमारा पावर, हमारा स्ट्रेंथ क्या होता है, कम हो जाता है। अब ऐसे ही सेम होता है नेटवर्क में जो डेटा होता है उसके साथ, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जाने में नेटवर्क सिग्नल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। सोचो उसको कितना दूर ट्रैवल करना होता है। कभी कभी तो आप यहाँ बैठकर मुंबई या यहाँ बैठकर अमेरिका तक मैसेज कर देते हैं, जबकि डिस्टेंस तो वही है, उतना ही डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, डिस्टेंस तो कम नहीं हुआ, लेकिन वो मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो कुछ चंद सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में ट्रैवल कर लेता है ना। तो यहाँ क्या होता है कि जब वो इतना लंबा ट्रैवल करता है तो उसके वीक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारा ओरिजिनल जो सिग्नल है ये ऐसा है, जब ये आगे बढ़ा तो वो थोड़ा वीक होगा, फिर थोड़ा वीक होगा, थोड़ा वीक होगा, एंड देन वो डिस्ट्रॉय होने की पोजिशन पर आ जाएगा। एक जगह जाकर ऐसा होगा कि नेटवर्क जो है, नेटवर्क वीक में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो यहाँ पर जाकर फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा इंटरनेट में कहीं, वो नहीं पहुंच पाएगा अपने डेस्टिनेशन तक। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करते हैं, एक रिपीटर लगाते हैं, है ना। रिपीटर क्या करता है, उस सिग्नल को स्ट्रेंथ देता है, और स्ट्रेंथ जैसे ही यहाँ पे हमने रिपीटर लगाया तो क्या होगा, हमारा जो सिग्नल है वो अगेन स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, और वो हमारे डेस्टिनेशन पर फिर वैसा ही पहुंचता है जैसा वो इनपुट से निकला था, यानी कि उसका जो पावर है वो अगेन वापस वैसे ही हो जाता है। तो रिपीटर क्या करता है कि जो सिग्नल वीक हो चुका होता है उस वीक सिग्नल को स्ट्रेंथ देता है, एम्पलीफाई करता है उसको। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफाई करता है उसको, जो 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 अपना पावर खो चुका है उसको अगेन वो पावर देता है। एक चीज़ जो इसमें आपको ध्यान रखनी है, वो रखनी है कि जो रिपीटर होता है उसको डिजिटल रीजनरेटर भी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है डिजिटल रीजनरेटर, डिजिटल रीजनरेटर उसका, डिजिटल रीजनरेटर उसका अनादर नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपसे एक वन मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिजिटल रीजनरेटर एक्सप्लेन इट, तो आपको रिपीटर को ही एक्सप्लेन करना है। तो डिजिटल रीजनरेटर यानी कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको रीजनरेट, अनादर वापस जनरेट करता है, रीशेप करता है, अनादर शेप में लेके आता है, एम्पलीफाई करता है, यानी कि उनको स्ट्रेंथ देता है, उनको पावर देता है, और वो अपने डेस्टिनेशन तक ईजिली जो मैसेज है वो पहुँच पाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ब्रिज। ब्रिज का क्या काम है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स दिख रहे होंगे, तो ब्रिज जैसे आप एक इमेजिन करो कि आपको क्या करना होता है, जैसे दो सड़क होती हैं अलग अलग, है ना, उन सड़क को जोड़ने का काम कौन करता है, एक सड़क इधर है, एक सड़क इधर है, बीच में नदी बह रही है, तो बीच में क्या बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है। यानी कि उस पुल का काम क्या है, उस ब्रिज का काम क्या है, एक एरिया को दूसरे एरिया से ऐड करना। तो सेम यहाँ पर जो नेटवर्किंग डिवाइस है ब्रिज, उसका काम भी वही है। देखो यहाँ पे आपको एक लोकल एरिया नेटवर्क दिख रहा है, यहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क दिख रहा है, ये लोकल एरिया नेटवर्क दिख रहा है, यानी कि ये स्मॉलर लोकल एरिया नेटवर्क है, इनको कंबाइन करके एक बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लोग इमेजिन करिए, जैसे कि एक कैंपस है, है ना, तो वो 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसे मान लो एक लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज आपको पता है ना 1 किलोमीटर के अंदर होती है, वो फैला हुआ है 3 किलोमीटर के अंदर, यानी एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है। अब क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क में कि जैसे ही आपका जो ये वाला, जैसे ये है, तो मान लो कि ये उनका कैंटीन का नेटवर्क है, ये उनका कॉलेज कैंपस का है, और ये उनका एग्ज़ाम डिपार्टमेंट का है। अब वो तीनों चाहते हैं कि हम, क्योंकि उनका अपना अपना, ये आपस में तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यहाँ तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पा रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को मैसेज नहीं सेंड कर पा रहे हैं। ये एक दूसरे को कैसे सेंड करेंगे, ये लोग आपस में एक दूसरे को मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक ब्रिज
एक डिवाइस है ब्रिज, जिसको उन्होंने कनेक्ट किया, जिसने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्मॉलर लोकल एरिया नेटवर्क हैं, जो स्मॉलर लोकल एरिया नेटवर्क हैं, उनको कंबाइन करके क्या बनाया, बिग लोकल एरिया नेटवर्क बनाया। ठीक है, छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क को कंबाइन करके जो बनाता है बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क, उसको बोलते हैं हम ब्रिज। ब्रिज के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फिर, कि ये जो ब्रिज होता है इससे आपका कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है। छोटे छोटे से लोकल एरिया नेटवर्क हैं तो आपस में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है, इनका स्पीड इनकी फास्ट होती है। ओके, तो अनलाइक हब एंड हब दे आर इंटेलिजेंट डिवाइसेस, हब की तरह ये क्या होते हैं, मतलब हब इंटेलिजेंट नहीं है, हब की तरह ये नहीं होते, ये इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड करते हैं जहाँ उसको भेजना है, डेस्टिनेशन में। जैसे ये ए नंबर का कंप्यूटर है, ए नंबर के कंप्यूटर को ई नंबर के कंप्यूटर को कुछ भेजना है, तो ये ए है, ये ई है, जब इसको इसको कुछ भेजना होगा तो ये सिर्फ ए से निकलेगा, ब्रिज के पास जाएगा, ब्रिज देखेगा ये कौन से सेगमेंट का है, इसको यहाँ पे सीधे डायरेक्ट ई के ही पास भेजेगा। तो ये जो होते हैं ये भी इंटेंडेंट, यानी जिसको भेजना होता है उसी को भेजते हैं। इसलिए जब हमको बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करना होता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स को, तो उनके लिए जो काम आता है वो होता है ब्रिज।